नमस्कार। 22 नवंबर 2018 का दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन भूचाल आया था जम्मू और कश्मीर की सियासत में। गवर्नर सत्यपाल सिंह मलिक ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था और इस मुद्दे पर रविश कुमार ने उनके ऊपर एक भारी कटाक्ष कसा है, उनको एक्सपोज किया है सत्यपाल सिंह मलिक ने। वो जवाब हम आपको इस वीडियो में सुनवाने वाले हैं। देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, 22 नवंबर 2018 को सत्यपाल सिंह मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जम्मू और कश्मीर की। उस दिन की जो घटनाक्रम था उसको मैं आपको पहले समझाता हूं। करीब 5 महीने पहले जम्मू और कश्मीर की पीडीपी और बीजेपी की सरकार गिर जाती है। हम उस सरकार के कभी पक्षधर नहीं रहे थे, लेकिन वो सरकार गिर जाती है, बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है, गवर्नर्स रूल लग जाता है। करीब 5 महीने ये गवर्नर रूल चलता है। 22 नवंबर को अचानक से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अचानक से मिल जाते हैं। ये एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे को कभी इन्होंने काटने से ये लोग बाज नहीं आए हैं। तो ये एक साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसी प्रकार से जैसे बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बना ली थी। ये करीब 7 बजे गवर्नर को एक फैक्स भेजते हैं, जी हाँ, एक फैक्स भेजते हैं, और उसके बाद ये क्लेम करने लगते हैं कि भाई हमने सरकार बनाने की कोशिश की है। गवर्नर को वो फैक्स मिलता नहीं है, गवर्नर को ये खबरें आ रही होती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है, तो वो उसी दिन ये असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। अब रवीश कुमार उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के मुंह पर, उन्हीं के सामने खड़े होकर, कि भाई आपने तो जो फैक्स मशीन थी वो जानबूझकर खराब करवा दी थी। अब उसके बाद सत्यपाल सिंह मलिक उनको जवाब देते हैं। तो पहले सुनिए रविश कुमार ने क्या कहा और उसके बाद सत्यपाल सिंह मलिक उन्हें किस भाषा में जवाब दे रहे हैं। दायरे में जाएंगे, जो भी करेंगे वो सार्वजनिक जीवन का दायरा होगा, तो आपकी उस जवाबदेही में ये चिंता भी होनी चाहिए कि पड़ोस की चंबल नदी की हालत कैसी है, और ये चिंता भी होनी चाहिए कि सुदूर, यहां से सुदूर श्रीनगर के राजभवन में फैक्स मशीन की हालत कैसी है। बेजवाड़ा भाई ने अस्थि पंजर को झकझोर दिया, तो आप टेक्नोलॉजी के छात्र हैं तो गटर की सफाई की टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए और एक ऐसी फैक्स मशीन भी बनाइए जो शाम 7 बजे के बाद कभी खराब ना हो। ये बात मैंने क्यों कही, मैं चाहता तो अपने विशिष्ट अतिथि के सम्मान में इस बात को मैं किनारे रख सकता था, मगर ये बात मैंने इनके ही सामने कही क्योंकि यही लोकतंत्र है और मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि ये मुझे कभी नहीं कहेंगे कि रविश कुमार ने ये बात आईएसआई के इशारे पे कही है। ये लोकतंत्र है। आपका सवाल जिनसे होता है आप उन्हीं से मुखातिब होते हैं, तो हम आपका आदर पूर्वक सम्मान भी करते हैं और आपसे बिना मांगे सहमति के बाद अपनी बातों की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। हालांकि जहां से मैं आया हूं, रवीश जी सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के आया हूं। अविश्वसनीय ये है कि आज घाटी में, वैली में, जिसमें बंदूक, हुर्रियत, दोनों पार्टियां, सब लोगों ने लोगों को धमकाया हुआ था कि वोट मत करिए, 1 बजे तक 40 सैकड़ा लोगों ने पंचायत में वोट कर दिया। मैं हमारे बहुत ही सम्मान्य साथी, चूंकि मैं इनको देखता भी हूं, फॉलो भी करता हूं, और इनकी बातें सुन के मैंने बिहार में बहुत नवाचार भी किए, प्रयोग किए, अगर ये फैक्स मशीन की बात नहीं उठाते तो मैं बिल्कुल नहीं उठाता। अब मैं रवीश जी चीजों को ठीक करने के लिहाज से बता रहा हूं। चीन में कहावत है कि किसी को चांद दिखाओ
तो नासमझ आदमी उंगली की तरफ देखता है, चांद की तरफ नहीं देखता है। कश्मीर में चार दिन पहले जो हुआ है, चूंकि उसकी जानकारी मेरे पास सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी गवर्नर की यह ड्यूटी नहीं है कि वो ईद के दिन जब उसका रसोईया भी छुट्टी पे हो उस दिन वो फैक्स मशीन खोल के 7 या 8 बजे शाम को महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी का इंतजार करें। अगर उनको उनको सरकार बनाने में वो संजीदा थे तो श्रीनगर के और जम्मू के बीच में कई उड़ानें आती हैं, किसी को भेज सकते थे। मेरा फोन आप कभी करके देखिए 24 घंटे खुला रहता है और रात के 2 बजे भी मैं फोन उठाता हूं। मेरे यहां अगर व्हाट्सएप आता है किसी का, मैं उसकी कंप्लेंट को फौरन सरकार के स्तर पे हल करने की कोशिश करता हूं। इसको सारा कश्मीर जानता है। महबूबा जी ने मुझे 1 हफ्ता पहले यह कहा कि सत्ताल भाई हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, मेरे एमएलए को धमकाया जा रहा है, उन्हें एनआईए में बंद कराने की धमकी दी जा रही है। आप दिन में आ जाते 7 बजे से 9 बजे तक, आप ये उम्मीद करें कि कोई गवर्नर अपना फैक्स खुद चला के बैठेगा तो ये बेईमानी की बात है। लिहाजा इसको कोई तवज्जो दी नहीं जानी चाहिए और जितनी दी गई है वो सारी तवज्जो मैं समझता हूं कि ये अज्ञानता है। इसको देखना ही नहीं चाहिए, देखना ये चाहिए कि उसी दिन, फिर दोहराऊं, उसी दिन उमर और महबूबा दोनों ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई। हम तो चाहते ही थे कि असेंबली टूट जाए, असेंबली टूट गई, हम जीत गए। तो और वो ये भी जीत गए कि वो दूसरा आदमी सरकार बनाने के नजदीक था, वो नहीं बना पाया। और फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। मैं रवीश जी, आपने मुझे डिरेल कर दिया, मैं बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन अब मैं अपनी बात पे आता हूं असली जो। तो दोस्तों ये सच्चाई बताई है सत्यपाल सिंह मलिक ने। दोनों हिस्सों का जो सच था वो हमने आपको सुना दिया है। अब आप अपना जो सच है, जो परसेप्शन है, वो खुद बना सकते हैं। हमारा विचार क्या है इस पूरे मुद्दे पर, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर कभी सरकार बना ले, क्योंकि ये अवांछनीय गठबंधन होगा। ये एक दूसरे को ही काटेंगे सरकार में आने के बाद, या फिर किसी दूसरी पार्टी को रोकने का प्रयास करेंगे। ये उसी प्रकार का गठबंधन जिस प्रकार से बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था। हम उस सरकार के पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन चलो उसमें ये था, इसके अंतर्गत कुछ आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई थी, वो भी एक अवांछनीय गठबंधन था, जिस प्रकार से ये एक अवांछनीय गठबंधन होता। ये हमारी राय है इस पूरे मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और दिखाएं कि किस प्रकार से रवीश कुमार को जवाब दिया गया है उनको उन्हीं की भाषा में। साथ ही हमें ट्विटर फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।